सुबह के 7 बजे से आज वीडियो की शुरुआत हो रही है। गांव में अभी धूप नहीं आई है, आपको पहाड़ों में हल्की हल्की धूप नजर आ रही होगी, तो गांव का माहौल एकदम शांत हो रखा है। आपको पीछे से पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। तो दोस्तों अभी जा रही हूँ मैं गौशाला गाय को सुबह की पहली रोटी देने। अब मैं दुकान में आ गई हूँ और मैंने सोचा आज सूजी का उपमा बनाते हैं, तो मैंने फटाफट से सूजी लिया और साथ में टमाटर भी लिए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर घी में सूजी को भूना अच्छे से। तो दोस्तों अभी सुबह के 10:30 हो रहा टाइम और आज तो अच्छी खासी धूप लगी है और आज से घर पे पेंट का काम भी शुरू हो गया है। ये देखिए कैसे हाल हो रखे, 10 साल से पेंट नहीं हुआ घर पे। तो छत पे दिखाते हो, ये लोग यहाँ पर घिसाई का काम कर रहे हैं, ये देखो लगे हैं। बहुत मुश्किल है, नीचे थोड़ा संभल के करना पड़ेगा। आराम से कर सचिना। आता मैं देख का पेन दे आता वहां में लिस्ट दे हम। अच्छा अच्छा, हां पंडित दादाजी भी आ गए और उनके पास देर में कॉपी पेन। शादी में पूजा के लिए क्या क्या सामान चाहिए, तो दादाजी उसी का लिस्ट बनाएंगे। ना नीच अब नीच नीच अब इसको ले आओ मार ना ना शीत का कोई लहन मिला मत दे के मार। यहां पर बन गए मूली कच बोली दुकान में कला में एक सूजी हां ब्याज एक नहीं मेरे घरी से राव से तई जरो थोड़ा जत का इन दो जत के आओ मार तो नहीं डालनी यार ना ज्यादा मार नहीं डाले तेज नहीं गई सुमी बाद में डाल के बने ले दही के साथ मूली की कचौड़ी भैंसक दे तो भैंसक मटर के पीस नहीं मल तारी सचिन को बस सचिन तो भी अरे सचिन अरे कचमोली आ जाओ भाई कचमोली कचमोली बूंदी की कचमोली अच्छा ले यार क्या बोल देना कचबोली कचबोली एक मिनट दे देखो ना तुम अच्छा मैं खाना पता लगाए पतले में टूट पड़ो ना ना पटा ना तुम थकुल रहे ठीक रहे यार पता ना गलत पता थकुल ना ये हम तुम्हें गोद रहे तुम खा ले चम के अबे अब तक क्यों यार छोड़ देता आते दूध ले दले हां ले दादी को लाओ चिकन मार खा ले। सामान आ गया क्या जा मरे क्या? अच्छा आजा आजा ये भुज्जी आ रही है सब्जी मतलब हमको नहीं अब सामान है सीट एक रुक जा पीछे रुक जा यार पागल ये दिल्ली जा हम आ नहीं सामान है मां कसम ते तिल के लिए जाता बा अबे हम खेलने को लगो सीट से कम यार चल कम से संजीव दे कम बसा तो हम आ रखे यहाँ पर सामान के लिए कुछ सामान रखा है। मुझे लगा पेंट का सामान आ गया लेकिन अभी वहाँ कलर नहीं है ना उस हिसाब से, तो सब्जी आ रखी है और बाकी तो वो ले गए सामान। तो अभी शाम के 5 बज रहे हैं और हम जा रहे हैं गोबर फेंकने खेत में। मैडम जी को थकान लग गई है, डाल दे सुद्धी वाल आलती या कम डरन सदना गोबर खुद गोबर। तो ये देखिए यहाँ पर दादाजी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, हस्तशिल्प कला बोलते हैं जिसको। रिंगाल से बनती है जो टोकरी, गोबर फेंकने का काम आता है ये, और रिंगाल से बनता है। ये देखिए रिंगाल हो गया, बहुत बारीकी का काम है ना दादाजी, मतलब हाथ कटे ना डेर भी नहीं हमें, बहुत संभाल के करना पड़ता है। ये देखिए बहुत ही ज्यादा कदर एक टोकरी का बन जाली
200 है हमारे उत्तराखंड की शिल्पकला है ये। इसको बनाने के लिए मतलब कम से कम 2 दिन चाहिए ना, 2 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा और मेहनत बहुत ज्यादा है, बारीकी वाला काम है। तो यहाँ पर है उनका घर, देखिए रोड के नीचे। और हमारे गांव में अभी भी ये चीजें देखने को मिलती है, तो अच्छा लगता है कि अभी भी उत्तराखंड की जो संस्कृति है हस्तशिल्पकला, तो वो अभी भी जिंदा है हमारे गाँव में, देख सकते हैं आप। और ये देखिए गाँव की महिलाएं आ रही जंगल से बाज लेकर, और दोनों टाइम जाते हैं सुबह भी शाम को भी। तो देखिए रात होने वाली है लगभग।